अगर आप अपने ओपोनेंट को मात देना चाहते हैं, उस पर गलबा पाना चाहते हैं, बगैर लड़े ही उससे जीत जाना चाहते हैं, तो इन चार बातों पर अमल करें। पहली बात कि बातचीत के दौरान हमेशा पुरसकून रहें। जब भी आप किसी से डिबेट कर रहे हैं, कोई इख्तलाफी बात है, तो अपना कंट्रोल कभी ना खोएं, हमेशा पुरसकून रहें। अगर आपको गुस्सा आ रहा है, आप नर्वस हैं, परेशान हैं, तो भी उस गुस्से और परेशानी को अपने अंदर ही दबा कर रखें, जाहिर ना होने दें। जाहिरी तौर पर आपको बिल्कुल पुरसकून नजर आना चाहिए। सबसे अच्छी बात तो ये है कि आप अंदर से भी पुरसकून ही हों। आपका मुखालिफ आपको अपसेट करना चाहता है, चिढ़ाना चाहता है, अपनी बातों से आपको इरिटेट करना चाहता है, आप उसकी बातों पर बिल्कुल रिएक्ट ना करें। अगर आप रिएक्ट करेंगे तो उसका मकसद पूरा हो जाएगा और वो आपको मजीद चढ़ाएगा, मजीद गुस्सा दिलाएगा और आप अपना कंट्रोल खोते जाएंगे। दूसरा अहम पॉइंट ये है कि बातचीत के दौरान सीधा सामने वाले की आंखों में देखें। ये एक बड़ा ही अहम नफ्सियाती हरबा है। अगर आप बातचीत के दौरान इधर उधर देखते रहेंगे या नज़रें झुका कर रखेंगे, तो ये आपकी पसपाई को, आपकी कमजोरी को जाहिर करेगा। जब भी आप बात कर रहे हों तो आपका आई कॉन्टेक्ट जबरदस्त होना चाहिए, आंखों में आंखें डालकर बात करें। अगर आप आंखों में नहीं देख सकते तो फिर भी कम से कम इस ट्रायंगल के अंदर जरूर देखें। आई कॉन्टेक्ट बनाने का सबसे बेहतरीन तरीका यह है कि 10 से 12 सेकंड्स के बाद आई कॉन्टेक्ट को तोड़ें, एक या दो सेकंड्स के लिए इधर उधर देखें और फिर से आई कॉन्टेक्ट दोबारा एस्टेब्लिश करें। इससे आप खुद एतमाद नजर आएंगे। ये आपकी बात की सच्चाई को जाहिर करेगा, क्योंकि झूठे आदमी के लिए सीधा आंखों में देखना मुश्किल होता है, वो हमेशा नजरें चुरा कर बात करता है। और दोस्तों, तीसरी बात यह है कि जो भी आपका ओपोनेंट है, जिसके साथ भी आपका आर्गुमेंट है, आपको उसकी मुकम्मल समझ होनी चाहिए, उसकी स्ट्रेंथ और वीकनेस आपके सामने होनी चाहिए, उसके काम करने का तरीका, उसके बात करने का तरीका, उसकी पूरी प्रोफाइल आपके सामने होनी चाहिए, उसकी हर चाल का आपको पता होना चाहिए, उसकी शख्सियत के मुताबिक आपको बात करने की स्ट्रेटजी बनानी चाहिए। अगर आप अपने अपोनेंट को अंडरस्टैंड नहीं करते, अगर आप इशू को सही अंडरस्टैंड नहीं करते, तो आप कभी भी जीत नहीं सकते। ऊंची आवाज में बात करने की बजाय, चीखने और शोर मचाने की बजाय, हमेशा दलील से बात करें। आपके आर्गुमेंट में वजन होना चाहिए, और ये तभी होगा जब आपको मामले की पूरी समझ होगी, आप अपडेटेड होंगे, बाखबर होंगे। आखिरी बात ये कि कभी भी डिफेंसिव ना हो, इनवैलिड आर्गुमेंट को इग्नोर करना सीखें, बॉल को हमेशा दूसरे के कोर्ट में रखें। जो चालाक अपोनेंट होते हैं वो बात को घुमा फिराकर आपके कोर्ट में फेंक देते हैं, आपके इश्यूज को ही हाईलाइट करते रहते हैं और आप अपने मामलात की ही जस्टिफिकेशन देने में लगे रहते हैं। कोई बड़ा ही वैलिड आर्गुमेंट है तो उसका जवाब जरूर दें, लेकिन गैर जरूरी बातों का जवाब देने से परहेज करें। उनको नजरअंदाज करके अपने मुखालिफ पर सवाल उठाएं, उसके इश्यूज की बात करें, उससे जवाब तलब करें। और जिंदगी में हर रोज कुछ नया सीखो, नया सोचो, नया करो, लर्न करो।